ताजनगरी आगरा के सबसे वीआईपी थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा ग्वालियर रोड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय रोहता में 14वीं बार चोरी, पेड़ पर छिपा मिला संदिग्ध, बच्चों के साथ मिलकर शिक्षक ने पकड़ा। पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज। ताजनगरी आगरा के थाना सदर क्षेत्र के रोहता कंपोजिट विद्यालय में बीते 11 अप्रैल से लगातार 14वीं बार चोरी की वारदात हो गई। हालांकि इस बार स्कूल स्टाफ ने पेड़ पर छुपे हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक थाना सदर के रोहता स्थित कंपोजिट विद्यालय में बीती 11 अप्रैल से लगातार चोरी हो रही थी। चोर दीवार तोड़कर कभी पंखे तो कभी बच्चों के बर्तन और पढ़ाई का सामान चोरी कर रहा था, और कई बार जब उसे चोरी के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह तोड़ फोड़ कर देता था। स्कूल स्टाफ हर बार पुलिस से शिकायत करता था, पर वारदात में कमी नहीं आ रही थी। मामले में पुलिस पहले दस्तावेज गायब करने के लिए स्कूल स्टाफ पर ही चोरी का शक जता रही थी। 10वीं चोरी होने के बाद स्कूल स्टाफ ने एसएसपी से शिकायत की थी और एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती स्कूल पर करवाई थी, पर इसके बाद भी चोरी हो गई थी। एसएसपी ने सख्ती के साथ पूरी रात पुलिसकर्मियों को वहां रहने और चोर पकड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी 4 दिनों से लगातार दीवार तोड़कर चोरी हो रही थी। शनिवार की सुबह स्कूल खुलने पर दीवार टूटी मिली और एक पंखा गायब था। शनिवार को स्कूल के छात्रों ने स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास लगे पेड़ पर एक युवक को छुपा हुआ देखा, शिक्षकों को सूचना दी। शिक्षक अश्विनी कुमार ने तत्काल अन्य स्टाफ और बच्चों के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह कूद कर भागने लगा। 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसे पकड़े गए संदिग्ध ने बताया है कि वो कई दिन से रोज पेड़ पर बैठता है। हालांकि उसने चोरी की वारदात कबूल नहीं की है। अब स्कूल स्टाफ को यह शक हो रहा है कि चोर स्कूल बंद होने के बाद ही चोरी की वारदात को अंजाम दे देता था। अगले दिन स्कूल खुलने पर पता चलता था। इसी कारण पुलिस तैनाती के बाद भी वारदात हो रही थी। मामले में एसपी सिटी विकास कुमार के अनुसार संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। तो आइए शिक्षकों से जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है। सर ऐसा था कि थोड़ा सा हम जब देख रहे थे कि हमें एक संदेह हुआ कि पेड़ पे कोई बालक छुपा हुआ है, मतलब लड़का ही है, वो उम्र ज्यादा नहीं है। तो जब हम उसकी तरफ बढ़े तो उसने क्या किया कि वो तुरंत हमें देखकर भागने लगा। अच्छा। और भागते भागते वो 4 से 5 6 खेतों तक भाग गया और उसको हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। तो आपने खुद अकेले? हाँ सर, मैं और मेरे साथ के बच्चों ने और स्टाफ ने बहुत सहयोग से सर उसको पकड़ा, और एक भाई साहब हैं उनकी मदद से उसको वहाँ आगे दबा लिया गया। तो फिर क्या लग रहा है कि यार चोरी घटना है, ये कर सकता है, क्या संभावना? सर मेरा मानना ये है कि भागने की स्थिति से ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो चोर है, लेकिन बट ऐसा है कि विद्यालय के प्रांगण में ही उसको पकड़ा गया है, मतलब पेड़ पे बैठे हुए। तो इसलिए मैं लग रहा है 4 दिन से लगातार उस पेड़ पे नजर बनाए हुए बैठा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय बंद करने के बाद ही वो लड़का इस काम को अंजाम देता है। अच्छा, पुलिस को दे दिया उसने? हाँ सर, पुलिस को 112 नंबर पर सूचना देके और समस्त अधिकारी को सुपुर्द कर दिया पुलिस के, और बाकी काम जो है पुलिस अपने स्तर से निपटारा करेगी। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है, उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता से। ये सभी प्रयास कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और आज जो है एक लड़का, संदिग्ध लड़का पेड़ पर छुपा हुआ था। हमारी बाउंड्री के बगल से पेड़ है तो हमारे कुछ बच्चों ने देख लिया, तो उन्होंने बताया, तो फिर हमने वो हमें देखकर भागा। फिर हमने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, करीब 1 किलोमीटर। फिर अश्विनी सर हैं हमारे, उन्होंने उसको पकड़ा है ना। फिर उससे हमने पूछताछ करी है इनिशियल, तो उसने बताया है कि मैं 4 दिनों से यहाँ पर पेड़ पर ही बैठ रहा हूँ। तो पेड़ पर बैठने का क्या मतलब है? 4 दिन से हमारे यहाँ चोरी हो रही है, संदिग्ध है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि चोर है। अच्छा। लेकिन अभी देखते हैं, पुलिस उसको लेकर गई है, पुलिस को अभी सपोर्ट कर दिया। हाँ, पुलिस के सपोर्ट कर दिया है, पुलिस अपनी तरीके से पूछेगी। और क्या संभावना लग रही है, क्या वाकई ये चोर हो सकता है? देखिए संभव है, क्योंकि 4 दिन से पेड़ पर बैठने की बात कर रहा है कोई, 4 दिन से पेड़ पर क्यों बैठ रहा है? ये तो स्कूल है और लगातार चोरियां हो रही हैं, तो अभी संदिग्ध तो है ही, चोर तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन संदिग्ध तो है ही।